हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जयेश और मैं आज यहाँ पे अनबॉक्सिंग और इसका रिव्यू करने वाला हूँ। जो फ़ोन है मोटो G73, 5G फ़ोन है ये एक। ओके, तो हम लोग अनबॉक्सिंग करते हैं और इसका रिव्यू भी करते हैं, एग्जैक्ट कैसा फ़ोन है, क्या है इसमें फीचर्स। ओके, ये फ़ोन एक्चुअली लॉन्च हुआ था जनवरी 2023 में। ओके, और इसमें दो वेरियंट आते थे, एक ल्यूसेंट वाइट और एक मिडनाइट ब्लू। मैंने ये ऑर्डर किया है, ये मिडनाइट ब्लू है। ओके, और इस फ़ोन में 8 GB रैम और 128 GB वाला ये डिवाइस है जो मैंने परचेस किया हुआ है। ओके, तो इसमें 256 GB वाला भी एक वेरिएंट है, 8 GB 256 GB। मेरा ये वेरिएंट है वो 8 GB 128 GB। ओके, तो ये फ़ोन है, इसमें यूज़र मैनुअल्स रहेगा और सिम इजेक्शन वाला टूल रहेगा। ओके, ये पिन है सिम कार्ड निकालने के लिए। ओके, ये हम साइड में रखते हैं। यहाँ पे 30 वाट का चार्जर है और USB 2.0 वाला केबल। ओके, ये जो केबल भी है इसमें दिया हुआ, ये 30 वाट का चार्जर है और ये USB-C, और दूसरे साइड में भी USB-C है, USB-C 2.0 वाला। ओके, बॉक्स के अंदर इतना ही है। तो ये हमारा फ़ोन, ये जो फ़ोन है इसमें एक अच्छी बात है कि इसमें नेटवर्क का कोई इशू नहीं रहेगा मेरे ख्याल से, क्योंकि यहाँ पे जो कंपनी ने 4G जो बैंड्स अंदर दिए हुए हैं, ये टोटल 16 बैंड्स है और 5G के टोटल 13 बैंड्स है। ये इसके साथ केस दिया हुआ है, ट्रांसपेरेंट केस है। ओके, सिम टूल से देखते हैं। यहाँ पे सिम कार्ड का जो ट्रे दिया हुआ है, ये हाइब्रिड सिम है। तो ये है, यहाँ पे फर्स्ट सिम लगा सकते हो, यहाँ पे सेकंड सिम लगा सकते हो, अदरवाइज सिंगल सिम और एक मेमोरी कार्ड लगा सकते हो यहाँ पे। ओके, अदरवाइज ड्यूअल सिम, दोनों सिम यहाँ पे लगा सकते हो। डिस्प्ले, अगर मैं इसकी बात करूँ डिस्प्ले की, तो ये जो फ़ोन है इसका 6.5 इंच का डिस्प्ले है। ओके, 6.5 इंच का डिस्प्ले है और 405 का पिक्सल डेंसिटी है इसका। तो इसमें साइड में वॉल्यूम रॉकर्स है, अप डाउन, यहाँ पे फिंगरप्रिंट का सेंसर है, पावर बटन फिंगरप्रिंट सेंसर। बॉटम साइड में स्पीकर्स है, 3.5 mm का जैक और ये चार्जिंग स्लॉट। यहाँ पे सिम का ट्रे, यहाँ पे एक माइक है ऊपर दिया हुआ और यहाँ पे एक माइक है। ओके, तो टोटल दो माइक्स है यहाँ पे। ये मेरा फ़ोन, लॉक अनलॉक। तो फिंगरप्रिंट सेंसर भी एक्यूरेटली वर्क करता है इसमें। इसमें प्रोसेसर देखने जाओगे आप तो डायमेंसिटी का 930 प्रोसेसर है, जो 6 नैनोमीटर पर बेस है और ये ऑक्टा कोर प्रोसेसर है। तो 920 जो प्रोसेसर है उसके हिसाब से ये थोड़ा कम पावरफुल है, बट ये अच्छा है गेमिंग और डे टू डे टास्क के लिए। ये प्रॉपर प्रॉपर प्रोसेसर है जो कभी हैंग और ये सभी प्रॉब्लम्स इसमें नहीं आएंगे। ठीक है, यहाँ पे एंड्रॉयड सिस्टम दिया हुआ है वो लोग ने, 13। ओके, तो ये एंड्रॉयड 13 पे है। ओके, इसके साथ कंपनी ने 1 साल का एंड्रॉयड अपडेट देगी और 3 साल का सिक्योरिटी, 2 साल का सिक्योरिटी अपडेट देने वाले। यहाँ पे स्टॉक एंड्रॉयड ही दिया हुआ है पूरा, मैंने यहाँ पे सॉफ्टवेयर अपडेट डाले थे थोड़े, तो अभी यहाँ पे पेंडिंग बता रहा है, बट फिलहाल यहाँ पे स्टॉक एंड्रॉयड ही है। 120 हर्ट्स का रिफ्रेश रेट है यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे कैमरा में जाता हूँ इसके, तो यहाँ पे दो सेंसर दिए हुए हैं, एक 50 मेगापिक्सल का है और 8 मेगापिक्सल का है। 50 मेगापिक्सल का जो सेंसर है यहाँ पे दिया हुआ, तो उसमें 1.8 का एपेचर है
ओके और इसमें ये जो मेन सेंसर है ओके वो 1 माइक्रोन का सेंसर है। बाकी जो भी आप जितने भी बजट फ़ोन देख रहे हो या फिर 20 हज़ार के आसपास, 20-25 हज़ार के आसपास जो भी फ़ोन देख रहे हो, इसमें जो सेंसर साइज़ है ये 0.6 0.7 के आसपास रहती है, 0.5 के आसपास रहती है, लेकिन इसमें सेंसर का जो साइज़ है वो डायरेक्टली 1 माइक्रॉन का है। तो इससे लाइट्स भी प्रॉपर आएगी और फ़ोटोज़ भी अच्छे आएंगे आपके। ओके जो सेकेंड सेंसर है वो 8 मेगापिक्सल का है, अल्ट्रा वाइड सेंसर है ये, 2.2 एपेचर का और 1.12 माइक्रॉन का सेंसर है ये दूसरा वाला जो सेंसर है। ओके और इसमें जो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं हम लोग वो है 1080p का। ओके तो इसमें 1080p की रिकॉर्डिंग हो सकती है और 60 फ्रेम पर सेकंड की रिकॉर्डिंग होगी यहाँ पे। ओके साथ में इसका जो दूसरा जो सेकेंडरी कैमरा है, यहाँ का जो सेकेंडरी कैमरा है यहाँ पे, ओके तो इसका अगर कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो ये 16 मेगापिक्सल का कैमरा है और 2.4 का एपेचर है इसमें। ओके और 1 माइक्रॉन का सेंसर है इसमें, ये भी 1080p का रिकॉर्डिंग कर सकता है लेकिन 30 फ्रेम पर सेकेंड से। ओके तो ये रियर वाला 60 फ्रेम पर सेकेंड से और ये फ्रंट वाला जो है वो 30 फ्रेम पर सेकेंड से। अगर इसमें यहाँ पे नीचे की साइड जाएंगे तो 3.5 mm का जैक है। ओके और इसमें फ़ोन स्पीकर है, ये स्टीरियो स्पीकर्स है। ओके दो स्टीरियो स्पीकर्स मिलेंगे इसमें आपको और डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट रहेगा इसमें। ओके तो साउंड क्वालिटी बहुत ही अच्छी मिलेगी आपको। इसमें कनेक्टिविटी के बारे में देखेंगे तो ब्लूटूथ का 5.3 वर्जन है, वाईफाई है, NFC सपोर्ट है यहाँ पे। ओके और USB का जो टाइप है वो टाइप सी है और 2.0 USB है, ये OTG सपोर्ट करता है ये वाला, तो इससे आप पेन ड्राइव लगा सकते हैं यहाँ पे OTG से कनेक्ट करके। ठीक है फिंगरप्रिंट सेंसर जो है वो साइड माउंटेड है यहाँ पे। ओके साथ में इसमें एक्सेलेरोमीटर, गायरोस्कोप, प्रॉक्सिमिटी और कंपास, ये सभी सेंसर है जो सभी फ़ोन में रहते हैं ज़्यादा मोस्ट ऑफ द टाइम। 5000 mAh की बैटरी है यहाँ पे और 30 वाट का चार्जर दिया हुआ है, तो अप्रोक्सीमेटली आप मान के चलो कि 1.5 घंटा तो लगने वाला है 1.30 के आसपास। ओके फुल 0 से फुल चार्ज होने के लिए फ़ोन को। ओके इसका एंटूटू स्कोर है 418744, 418744। ओके और ये अगर गेमिंग के लिए आप फ़ोन सोच रहे हो तो गेमिंग के लिए इतना पावरफुल फ़ोन नहीं है, क्योंकि नॉर्मल आप कैजुअल गेमिंग खेलना चाहते हो मॉडरेट सेटिंग पे, कॉल ऑफ ड्यूटी, एसफॉल्ट 9, तो ये सभी इसमें प्रॉपरली चलते हैं। ओके और ये नॉर्मल यूज़ के लिए कैजुअल गेमिंग, अगर आप खेलते हो दिन में 2-3 बार छोटे मोटे गेम्स या फिर कोई भी बड़े गेम्स तो भी ये चलेगा, लेकिन मॉडरेट सेटिंग पे खेलना पड़ेगा आपको। और एक अच्छा फीचर है इसमें कि डॉल्बी एटमॉस है तो साउंड क्लियरिटी आपको अच्छी मिलेगी और 5G फ़ोन है, 5G कॉम्पेटेबल फ़ोन है, तो फिर ये एक अच्छी बात है उसमें कि आपको अगले 2-4 साल में जब 5G सब जगह पे रहेगा तभी आपको फ़ोन चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये 5G कॉम्पेटेबल है फ़ोन। तो फिर और दोनों सिम कार्ड में आप 5G सिम कार्ड लगा सकते हो यहाँ पे। ओके वीओ LTE का सपोर्ट है, तो अच्छा फ़ोन है अगर देखने जाएगा तो, क्योंकि मैंने ये लिया था 17,000 के आसपास, शायद बिग बिलियन सेल में ये और भी कम हो जाए प्राइस इसका। तो अभी और एक दो वीडियो बनाऊंगा मैं इसके रिगार्डिंग, तो इसकी कैमरा कैसे, किस तरीके से फ़ोटो खींचता है और वीडियोस कैसे, इसकी क्लियरिटी कैसी है ये आपको पता चलेगी उसमें से। ओके तो आज के लिए अभी इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।